महिला उत्कर्ष समिति ने आज 30 महिलाओं को उनके सामाजिक और जनसेवी कार्यों के लिए पुरस्कृत और सम्मानित किया। समाज सेविका सुषमा सिंह द्वारा अपने पिता स्वर्गीय कैलाश सिंह राजपूत की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का वाशी में आयोजन किया गया था, जहां पूर्व सांसद संजीव नाइक, बीजेपी नेता संजय उपाध्याय, राजेश राय और अरविंद राही समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई के दिवंगत समाज सेवी कैलाश सिंह राजपूत को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। वासी में आयोजित गायक सुरेश शुक्ला के संगीतमय कार्यक्रम के दौरान यहां 25 महिलाओं को उनके जनसेवी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, जबकि 2 आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को सिलाई मशीन उपहार में दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय कैलाश सिंह राजपूत की बेटी और महिला उत्कर्ष समिति के संचालिका सुषमा सिंह ने किया था। यहां बीजेपी नेता संजय उपाध्याय, पूर्व सांसद संजीव नाइक, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय, प्रभारी अनिल राय, यूपी सेल के जिलाध्यक्ष मार्कंडेय केवट, साहित्यकार अरविंद राही और बीजेपी नेता सतीश निकम ने फूल चढ़ाकर कैलाश सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेताओं ने सुषमा सिंह के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। जो काम अभी तक समाज में माना जाता था कि ये बेटा ही करेगा, तो वहाँ पर एक मिथ तोड़ा है सुषमा ने कि एक पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का काम वो कर रही है, इसके लिए वो अभिनंदन की पात्र है। और विरासत भी कैसी, जो कार्य भाई कैलाश सिंह राजपूत जी ने शुरू किया, जो समाज में अपनी एक भूमिका निरूपित की, उसी को वो आगे बढ़ा रही है। हम सबको मालूम है कि नवी मुंबई जब शहर बन रहा था, इसका निर्माण हो रहा था, एक बड़ी संख्या में लोग रहने आ गए थे, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक चेतना नाके बराबर थी। उस दौर में भाई कैलाश सिंह राजपूत ने जो है पहली रामलीला नवी मुंबई की प्रारंभ की, यहाँ पर रावण दहन क्या होता है वो लोगों को बताया, वो प्रक्रिया प्रारंभ की। आज उनके 25 वर्ष होने के उपरांत 26वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लोक संस्कृति से जुड़ी हुई एक कजरी महोत्सव की स्थापना आज हुई यहाँ पर सुषमा के द्वारा, महिला उत्कर्ष समिति के द्वारा। ये सब अपने आप में एक मील का पत्थर है, और किसी भी अच्छे काम की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर से होती है। हमें मान के चल रहे हैं कि जो आज ये छोटे से स्तर पर जो यहाँ पे 400-500 लोगों की उपस्थिति में जो अभियान शुरू हुआ है, कल वो एक वटवृक्ष का रूप लेगा और ये विरासत आगे बढ़ेगी। सिंह जिसकी अध्यक्ष है और उनकी पूरी टीम लगातार समाज के प्रति कितना निचले स्तर तक मतलब कि कार्य किया जाए, इसके ऊपर पूरा ध्यान आकर्षित करती है। और आज उन्होंने जो ये अपने पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि 26वीं पुण्यतिथि पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को सम्मानित किया, इससे एक मैसेज जाएगा, सभी लोगों में एक प्रेरणा जागेगी कि नहीं, जिस तरह से ये लोग ये कार्य कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने मतलब सबसे आग्रह भी आज किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें सभी लोग सहयोग करें और अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर और बनाएं। ये कार्यक्रम का जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। कैलाश सिंह जी राजपूत, उनकी आज 26वां पुण्य स्मरण उनका आज यहाँ वाशी में उनकी सुपुत्री सुषमा जी ने आयोजित किया था। बहुत ही अच्छा उपक्रम वह कर रही है उनके याद में, जिसमें समाज के अच्छे अच्छे लोगों को बुलाकर उनको एक प्रकार से उनका अभिनंदन करना और उनको प्रेरित करना, इस प्रकार का उपक्रम आज यहाँ वाशी में संपन्न हुआ। और कैलाश जी का जो अच्छा कार्य है वह आगे बढ़ाने के लिए ये सारा उपक्रम पिछले कई वर्षों से नवी मुंबई में महिला उत्कर्ष समिति के माध्यम से वो कर रही है, उनको मेरी बहुत बहुत शुभेच्छाएं। स्वर्गीय कैलाश जी के याद में और उनकी बेटी, उनके कृत्यों को लेके जिस तरह से वो जी रही हैं और लोगों को बीच में समाज में मदद कर रही हैं, तो उसको एक तरह से उभार रही हैं ताकि समाज में और इस तरह के लोग और उनके लिए प्रेरित होकर काम करें, लोगों को बताते हुए और समाज में आगे बढ़ रही हैं और समाज सेवा का एक उदाहरण पेश कर रही हैं। इस अवसर पर अपने दिवंगत पिता की जनसेवा और स्मृतियों को याद करते हुए समाज सेविका सुषमा सिंह ने कहा कि उनका प्रयास पिता की जनसेवा को और आगे बढ़ाना है।
उन्होंने विश्वास जताया कि जिस तरह उन्हें समाज का समर्थन और सहयोग मिल रहा है उससे उनके पिता के जनसेवा कार्य और भी आगे बढ़ेंगे। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कैलाश सिंह राजपूत जी की स्मृति में 25 महिलाओं को, जिन महिलाओं ने अपने अपने सामाजिक अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्य में आगे बढ़कर काम किए, हिस्सा लिए हैं, उन लोगों को हम लोगों ने पिताजी के नाम पर ऑनर किया है और मोमेंटो दिया है। और दो महिलाओं को, ताकि अपने पैर पर आत्मनिर्भर हो सके, उन महिलाओं को हमने सिलाई मशीन दिया है। बहुत अच्छा सबका सपोर्ट मिल रहा है, चाहे हरिओम भैया हो, राजेश राय जी हो, राही जी हो, सबका, अरुणा सुतार जी हो, कविता जी हो, सबका बहुत भरपूर सहयोग है। उन्हीं के सहयोग से ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।